मजबूत भारत के निर्माण के बीच सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, इनकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। बहन जी ने बाबा साहब के नाम का उपयोग किया, लेकिन उनके आदर्शों के विपरीत हर काम किया। समाजवादी पार्टी ने डगर डगर पर लोहिया जी का नाम लिया, नाम का उपयोग किया, लेकिन अपने आचरण से न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बल्कि लोहिया जी के आदर्शों को भी मिट्टी में मिला दिया। साथियों, आज मैं इन लोगों से कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। क्या समाजवाद की बातें करने वालों को, लोहिया जी की बातें करने वालों को गरीबों की, श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या बहुजन हिताय की बात करने वालों को, बाबा साहब की बात करने वालों को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या पिछले 60-70 साल से हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उछालने वाली कांग्रेस को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? साथियों, हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह नहीं की। श्रमिकों को, गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया।